यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले पर बड़ी खबर सामने आई है। अक्टूबर 2021 के तिकोनिया में हुई हिंसा में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। मंगलवार को लखीमपुर खीरी की कोर्ट ने 14 आरोपियों पर आरोप तय किए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का नाम भी इसमें शामिल है। दरअसल 3 अक्टूबर 2021 को तिकोनिया गांव में किसानों की ओर से कृषि कानूनों का विरोध हो रहा था। किसानों की तैयारी कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का विरोध करने की थी। किसानों के प्रदर्शन के दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार थार ने किसानों को कुचल दिया था। इस दौरान 4 किसानों समेत कुल 8 लोगों की मौत होने से हड़कंप मच गया था। मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था। अपर जिला जज सुनील कुमार वर्मा की कोर्ट में हिंसा को लेकर ये आरोप तय हुए। आशीष मिश्रा पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326 और 427 के तहत आरोप लगे। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से 16 दिसंबर को न्यायालय में सबूत पेश करने को कहा। बता दें, आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों की डिस्चार्ज एडीजे कोर्ट ने खारिज की थी। आशीष मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट में दायर जमानत याचिका पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। आरोपी आशीष मिश्रा टेनी समेत कुल 14 आरोपी पिछले 11 महीने से जेल में बंद हैं।